राधे राधे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको कॉर्डेटा के बारे में और उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको मैंने दो तीन लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, उसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है। आज इसमें कवर करेंगे हम आपके सिलेबस का एक और टॉपिक, जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे जो ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है, तो उसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा के बारे में, कि कॉर्डेटा को कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी कि कैसे बांटा गया है, ठीक है, कैसे बांटा गया है कॉर्डेटा को, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कुछ जनरल बातें कॉर्डेटा के बारे में लिखी गई हैं कि फाइलम कॉर्डेटा जो है वाइडली डाइवर्सिटीफाइड है, साइज में, हैबिट्स में और हैबिटेट में, यानी कि उसके आदतों की बात की जाए या उसके रहने की बात की जाए, तो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का किसी भी फाइलम में पाया जाना। तो इस फाइलम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जनरली बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है आप एक बॉल लीजिए और इसको बीच से आधा आधा डिवाइड कीजिए, ये अगर एक गोला इधर है और दूसरा गोला इधर है, तो इस तरीके से ये जो भी चीज़ें इधर हैं सेम चीज़ें इधर पाई जाएं, इस तरीके की सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप आगे फाइलम्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरीके से बॉडी पे लाइनिंग पाई जाएगी जो बाहर से आपको दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके के या तो बाहर या तो अंदर इस तरीके के सेगमेंटेशन को, सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड है, अलग अलग भाग में डिवाइड है, तो इस तरीके के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जब आप पहला पेपर पढ़ेंगे जो आपका है नॉन कॉर्डेटा, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारी बातें मैंने आपको जब नॉन कॉर्डेटा के पेपर्स पढ़ाए हैं वहाँ बताए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें जो इसके गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट जब होता है, तो उसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सीलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी वॉल में सीलोम पाया जाता है। ये भी मैंने आपको सीलोम के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है, सीलोम क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब इनका जो फॉर्मेशन होता है, जब इनका डेवलपमेंट होता है, आप पढ़ते हैं ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज, ये सारे, तो इनका जो ब्लास्टुला स्टेज है वहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन एनस का होता है। माउथ और एनस में सबसे पहले क्या होगा, एनस बनेगा, उसके बाद माउथ का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर जो प्रोटोस्टोम्स एनिमल होते हैं, प्रोटोस्टोम्स, उनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, उसके बाद एनस का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और इनके जो कॉर्डेटा के तीन जनरल कैरेक्टर हो, तो मैंने आपको बताए ही थे कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना, हॉनो डोर्सल नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना, ठीक है, जो या तो पूरे एडल्ट स्टेज तक परसिस्ट रहेंगे, यानी कि पाए जाएंगे, या बीच में गायब भी हो सकते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड से लेके अभी तक सारे कॉर्डेट्स पाए जा रहे हैं। कॉर्डेट की लगभग 50,000 स्पीसीज हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये डायग्राम मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ कि कॉर्डेट के जो कैरेक्टर हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट और नोटोकॉर्ड का पाया जाना, इस तरीके से इनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जो है पहले क्या आया, इनके क्लासिफिकेशन की थियरी भी दी है, इकेनोडर्म, मेटासिफेलो, यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद मिग्जिनी फॉर्म्स आए, पेट्रोमाइजॉन आए, फिर कॉन्ड्रिक्थिस, एक्टिनोप्टेरिजेई, इस तरीके से होते हुए फिर आपका डिप्नोई, एम्फीबिया, उसके बाद लास्ट में मैमल आए। मैमल को एमनियॉट्स भी कहा जाता है, ठीक है, एन एमनियॉट्स, एमनियॉट्स में डिवाइड किए गए, आगे आप देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। जनरली इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हाईलाइट की हूँ मैं, देख सकते हैं आप, एक क्रैनिएटा या जिसे प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, दूसरा क्रैनिएटा जिसे यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। अब ये एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा नाम किसके बेसिस पे, क्यों ये नाम पड़ा, किसी भी चीज़ का नाम दिया जाता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे आप किसी का भी नाम गोल्डन
हैं, ठीक है। तो कुछ क्वालिटी देख के या कुछ नाम सोच के, अच्छा सुनहरा है, सुनहरा कलर सोच के उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से इनकी नेमिंग क्यों की दी गई थी, एक क्रैनियम का मतलब बायोलॉजी में आपका होता है स्कल या हेड आप कह सकते हैं, स्कल जो हम लोग के सर में स्कल पाई जाती है, खोपड़ी आप जिसको कहते हैं, उसका मतलब होता है क्रैनियम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ए का मतलब कहीं भी बायोलॉजी में जिसके आगे ए लग गया उसका मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि वो चीज़ नहीं पाई जाएगी। जहाँ पे क्रैनियम यानी कि स्कल एब्सेंट हो उसे कहा गया ए क्रैनिएटा, और जहाँ पे क्रैनियम प्रेजेंट हो उसे कहा गया जो है क्रैनिएटा। और ए क्रैनिएटा को प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया। अब प्रोटोबॉर्ड कहीं भी आए, ठीक है, आप प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि शुरू शुरू में जो आए, और कॉर्डेटा का मतलब कॉर्ड जिसमें पाया जाए, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कॉर्डेटा का मतलब जिसमें कॉर्ड पाया जाए, तो प्रिमिटिव कॉर्ड जिसमें पाया जा रहा था उसे एक क्रैनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया। और दूसरा ग्रुप आया क्रैनिएटा का जिसे यू कॉर्डेटा कहा गया, जिसमें क्या एडवांस, यू का मतलब होता है एडवांस, ठीक, एडवांस कॉर्ड पाया गया उसे यू कॉर्डेटा कहा गया। अब इनका डिवीजन इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, ठीक, इनको सबसे पहले दो सब मेजर फाइलम में डिवाइड किया गया, लोअर कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट या ए क्रैनिएट कहा गया, दूसरा ग्रुप था हायर कॉर्डेट का और जिसे क्रैनिएट कहा गया। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोअर कॉर्डेट ए क्रैनिएट या प्रोटोकॉर्डेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, आगे भी बताऊंगी। इसमें आया सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इनको किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, इनको नर्व कॉर्ड जो पाया जाता है नोटोकॉर्ड उसके बेसिस पे। अब हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, जिनकी हाफ बॉडी में कॉर्ड था उन्हें हेमिकॉर्डेटा कहा गया। यूरो का मतलब होता है टेल, जिनके टेल में नर्व कॉर्ड था उन्हें क्या कहा गया, यूरोकॉर्डेटा। और जिनके सिकिफेली का मतलब होता है हेड, हेड में कॉर्डेट था उन्हें सिफेलोकॉर्डेटा कहा गया, ठीक, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। फिर फर्दर हेमिकॉर्डेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया, इंटरोपेनिस्टा और टेरोब्रैंकिया। यूरोकॉर्डेटा को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्वेसी, सॉरी तीन क्लास में। और सिफेलोकॉर्डेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया, लेप्टोकॉर्डी और टेरोब्रैंकी, ठीक। उसी तरीके से अब हम आते हैं मेजर सब फाइलम सब ग्रुप जो हुआ है आपका क्या, क्रैनिएटा। क्रैनिएटा को एक ही सब फाइलम में डिवाइड किया गया जिसका नाम था वर्टिब्रेटा, क्या था, वर्टिब्रेटा, ठीक, वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया। वर्टिब्रेटा को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया जो था आपका एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। अब ये नाम क्यों पड़ा, ग्नैथा का मतलब कहीं भी होता है जॉ, जबड़ा, ठीक है, इनको जबड़े के बेसिस पे डिवाइड किया गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म थे कुछ में जिनमें जबड़े प्रेजेंट थे, जॉ प्रेजेंट था, और कुछ में नहीं प्रेजेंट था। तो जिनमें नहीं प्रेजेंट था उन्हें एग्नैथा कहा गया, और जिनमें प्रेजेंट था उन्हें ग्नैथोस्टोमेटा। अब एग्नैथा को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। और फिर ग्नैथोस्टोमेटा को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका पहला आता है पीसीज या जिसमें फिशेज आती हैं, दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा आता है। फिशेज को भी फर्दर तीन क्लास में डिवाइड किया गया, प्लैकोडर्म, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। और टेट्रापोडा को क्या किया गया, टेट्रापोडा को फर्दर जो है आपके चार क्लास में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज यानी कि जिसमें बर्ड आते हैं, और मैमिलिया, ठीक। एम्फीबिया में आपके फ्रॉग वगैरह आते हैं, और रेप्टीलिया में आपके लिजर्ट्स, स्नेक, टर्टल आते हैं, एवीज में बर्ड्स आते हैं, मैमल्स में तो आप डकबिल, बैट हो गया, डॉग हो गया, कैट, ये सारे। इसी तरीके का एक और क्लासिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात और मेंशन की गई है कि जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा था, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा था उसको अब क्या किया गया है, इनवर्टिब्रेटा में रखा गया है। इसको भी डिवीजन उसी तरीके से है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ये देख सकते हैं आप। हाँ।
यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा, इसको ग्रुप ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में डिवाइड किया गया। फिर इसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में आया आपका टेरोब्रैंकी और एक क्लास इसका यहाँ मिस है। यूरोकॉर्डेटा में आया एसीडीएसी, थैलिएसी और लार्वेसी। और सिफेलोकॉर्डेटा में एक क्लास लेप्टोकॉर्डी। फिर सब फाइलम को एक गनाइथा और गनाइथोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया। एक गनाइथा में आपके ऑस्ट्रेकोडर्मा या साइक्लोस्टोम्स आए। गनाइथोस्टोमेटा को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, सुपर क्लास में पीसीज और टेट्रापोडा में। पीसीज में आपके प्लैकोडर्मा, कॉन्ड्राइक्थिस, ऑस्टाइक्थिस आए और सुपर क्लास टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज और मैमल्स आए। ठीक है, और ये जो थे इन्हें क्या कहा गया, एनएमनियोटा और इन्हें एमनियोटा। अब एमनियोसिस क्या होता है, एमलो हम लोग की बॉडी में पाया जाता है एक फ्लूड, एमनियोट फ्लूड पाया जाता है। ठीक है, जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे उसके बेसिस पे। तो ये सारे जो ऑर्गेनिम थे ये एनएमनियोट थे। ठीक है, बाकी एम्फीबियन, रिप्टाइल और एवीज, मैमेलियन, ये एमनियोट थे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको चार ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा एनएमनियोट है। तो आपको जब पता रहेगा तो आप उसको अच्छे से बता पाएंगे। अब चलिए डिस्क्रिप्शन इनका पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लास ए क्रेनिएटा जो था, इनको बताया मैंने पहले ही, हेड इनमें एब्सेंट था। और अगर प्रोटोकॉर्डेटा की बात की जाए तो इनमें पहले कॉर्डेट थे तो इसलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेट कहा गया। ये सारे के सारे मरीन थे, यानी कि सी वगैरह में पाए जाते थे। स्मॉल थे, प्रिमिटिव मतलब शुरू शुरू में आए थे, और लोअर कॉर्डेट्स भी इनको कहा जाता था। इनमें हेड या स्कल या क्रैनियम, लैग का मतलब होता है एब्सेंट होना, ठीक, एब्सेंट था। और वर्टिब्रल कॉलम, जॉज, ब्रेन, ये सारी चीज़ें भी एब्सेंट थी। इनकी अबाउट 2000 स्पीसीज हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो एक क्रेनिया जो है, एक क्रेनिया को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया। फर्दर मैंने पहले ऊपर आपको बताया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब इनमें जो है हाफ बॉडी में कॉर्ड पाया जा रहा था, यूरोकॉर्डेटा में टेल में कॉर्ड पाया जा रहा था, और सिफेलो, किफेली का मतलब होता है ग्रीक में हेड और लैटिन में कॉर्ड का मतलब होता है। हाँ, आप एक बात, जी आर जहाँ लिखा रहे वहाँ का मतलब होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और एल का मतलब होता है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा आपका लैटिन से लिया, हेमिकॉर्डेटा में जो हेमी है वो हाफ जो है उसका मतलब होता है हाफ, और कॉर्डी का मतलब होता है कॉर्ड। तो जिसके हाफ बॉडी में कॉर्ड पाया जाए उसे हेमिकॉर्डेटा, जिसके टेल में कॉर्ड पाया जाए उसे यूरोकॉर्डेटा, जिसके हेड में कॉर्ड पाया जाए उसे सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, या जिसको क्या बोला जाता है, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड थी। वो तीन पार्ट कौन कौन से थे, वो तीन पार्ट थे आपके प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें ये प्रोबोसिस, यहाँ पे बीच में कॉलर, सॉरी प्रोबोसिस, ये बीच में कॉलर और ये पीछे की तरफ ट्रंक पाए जा रहे थे। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड कैसा था, डाउटफुल, यानी कि जरूरी नहीं है कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, डाउटफुल था, पता नहीं प्रेजेंट है या नहीं है। शॉर्ट था, कन्फाइंड टू प्रोबोसिस, एरिड, नॉन होमोलॉगस विद दैट होमोलोग, ये प्रोबोसिस रीजन में पाया जा रहा था। ये जो प्रोबोसिस रीजन है इसका, इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, तो इनके प्रोबोसिस में पाया जा रहा था, जो कि कॉर्डेट के कैरेक्टर से मैच नहीं हो रहा था। फर्दर इनको चार क्लास में डिवाइड किया गया, इंटरोपेनिस्टा, टेरोब्रैंकिया, प्लैंक्टोसिफेरिडोई और ग्रैप्टोलिटा। ठीक है, इंटरोपेनिस्टा का मतलब होता है जो ब्रीदिंग अपने गट से करें। ठीक है, ग्रीक इंटरॉन का मतलब होता है गट, अपनिष्टान का मतलब ब्रीद, जो अपने गट से भी ब्रीदिंग करें, यानी कि अपने पेट से भी ब्रीदिंग करें, उन्हें इंटरोपेनिस्टा कहा गया। इनकी बॉडी लार्ज थी, लंबी थी, वर्म लाइक कीड़ों की तरह थे, गिल्स भी न्यूमरस मतलब थोड़े पाए जा रहे थे, और इनका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन वर्ड तो आप सबने सुना होगा, माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीज़ें, इनका इंटेस्टाइन स्ट्रेट था, सीधा था एकदम। ठीक, इनको एक्रॉन या टंग वर्म भी कहा जाता था, क्योंकि ये टंग लाइक दिखते थे। इनमें कुल 3 families, 15 genera और 17 species थे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ब्लैनोग्लॉसस और सैचोग्लॉसस इनके एग्जाम्पल थे, ये देख सकते हैं, सैचोग्लॉसस और ब्लैनोग्लॉसस, ये दो इनके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट था आपका टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया में इनमें बॉडी कैसी थी, फेदर लाइक, ये देखिए टेरोब्रैंकिया, इनमें गिल फेदर लाइक थे,
इनका गिल देखिए आप, ये फेदर लाइक होगा, इस तरीके से पंख, जैसे चिड़ियों का फेदर पाया जाता है उस तरीके से था, फेदर लाइक था। ठीक है, तो इनको इस बेसिस पे डिवाइड किया गया, फेदर लाइक था इनका बॉडी। ठीक, अब फेदर लाइक होने की वजह से इनको क्या कहा गया, टेरोब्रैंकिया। इनमें बॉडी स्मॉल थी, कॉम्पैक्ट थी, स्मॉल और कॉम्पैक्ट थी। गिल स्लिट एक पेयर या तो नहीं था। इंटेस्टाइन इनमें यू शेप्ड था, यहाँ पे क्या था, स्ट्रेट था, लेकिन यहाँ यू शेप्ड है। ये दो ऑर्डर, 3 जनरा और 20 स्पीसीज इसमें थे, एग्जांपल के लिए सिफेलोडिस्कस और रैबडोप्लूरा। ठीक है, आप टेरोब्रैंकिया को देख सकते हैं। तीसरा क्लास आपका आ गया प्लैंक्टोस्फेरिडेई। ठीक है, ये कैसे थे, ये ट्रांसपेरेंट थे, मतलब इनकी बॉडी को अगर बाहर से आप देखते तो अंदर की चीज़ें भी दिखाई देती। राउंडेड थे, स्पेशलाइज्ड टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा आपका कैरेक्टर है इसमें, अब जब आप पढ़ेंगे इकानोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इनमें टॉर्नेरिया लार्वा पाया जा रहा था जिसमें सीलियरी बैंड्स पाए जा रहे थे, और इनका एलिमेंट्री कैनाल एल शेप्ड का था। यहाँ पे इंटेस्टाइन यू शेप्ड, इंटेस्टाइन स्ट्रेट, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल, पूरा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, सारी चीज़ें आती हैं, वो क्या था, एल शेप्ड था। ये केवल इसी क्लास में पाया जा रहा था। इनके एक एग्जाम्पल है प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका। दिस फॉर्म इज़ रिगार्डेड एज द लार्वल फॉर्म ऑफ अननोन हेमिकॉर्डेटा। इनको माना जाता है कि ये अननोन हेमिकॉर्डेट थे, उनके लार्वा थे। चौथा क्लास आप था ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा का फॉसिल्स, ये फॉसिल है यानी कि ये इस समय एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एग्जाम्पल के लिए डेंड्रोग्रेप्टस। ठीक, ये अबंडेंट मानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाते थे आपके ऑर्डोविसियन पीरियड या साइलूरियन पीरियड में, प्रेजेंट टाइम में ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये कैसे थे, ट्यूबुलर थे, बॉडी ट्यूब लाइक थी, काइटिनस स्केलेटन, इनके बॉडी पे स्केलेटल पाया जा था, कॉलोनी में पाए जाते थे, एफिनिटी शो करते थे रैबडोप्लूरा के साथ, यानी कि क्लास आपका जो टेरोब्रैंकिया है उसके साथ ये क्या करते थे, थोड़ा एफिनिटी मतलब समानता शो करते थे। तो आपको हेमिकॉर्डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं दूसरे सब फाइलम की तरफ जिसको कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे रहेगा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। ठीक, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा जिनके टेल में क्या था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। नोटोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड इन टैडपोल लाइक लार्वा। इन और इनके बॉडी के जो लार्वा थे, इनमें लार्वा पाया जा रहा था। डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वहाँ लार्वा नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, नो लार्वा। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो वहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्वा प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी बॉडी में जो लार्वा पाए जा रहे थे उन्हें क्या कहा जा रहा था, टैडपोल लार्वा। इनका एडल्ट सैक लाइक था, इस तरीके से सैक लाइक हार्डमानिया के बारे में आप पढ़ेंगे, सेसाइल था, एक जगह पे पड़ा हुआ रहता था, इंसेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक, इसलिए इन्हें ट्यूनिकेट भी कहते हैं। इनकी बॉडी एक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ट्यूनिक की कवरिंग पाई जा रही थी, इसलिए इसे ट्यूनिकेट लार्वा भी कह रहे थे। इनको जनरली 3 क्लास में डिवाइड किया गया, एसीडीएसी, थैलिएसी और लार्वेसी। ठीक, एसीडीएसी या इन्हें एसीडियंस भी कहा जाता है या सी स्क्वाड्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल हार्डमानिया यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हार्डमानिया यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इनकी बॉडी सेसाइल थी, एक जगह पे पड़ी रहने वाली थी, इन्हें ट्यूनिकेट्स कहा जाता था क्योंकि ये इनके बॉडी पे पूरी ट्यूनिक की कवरिंग पाई जाती थी। ठीक है, ये सॉलिटरी थे, एक जगह पे पड़े रहते थे, कॉलोनियल या कंपाउंड थे, या तो कॉलोनी में पाए जाते थे या तो कंपाउंड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे। इनमें गिल क्लेफ्ट न्यूमरस थे। ठीक है, इनको एसीडियंस या सी स्क्वाड्स भी कहा जाता था। 3 ऑर्डर इनके हैं, 1200 स्पीसीज, जिसमें हार्डमानिया, कायोना, मालगुलगुला, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा आपका क्लास है इनका थैलिएसी। ठीक, ये फ्री स्विमिंग थे, ये फ्रीली स्विम करते थे, जबकि ये फ्री स्विमिंग नहीं थी, ये एक जगह पे पड़े रहते थे। पिलेजिक ट्यूनिकेट्स विद सर्कुलर मसल इन ट्यूनिक, इनके में भी ट्यूनिक पाई जाती थी, वो पिलेजिक थी। ठीक है, सम टाइम ये कॉलोनियल थे वरना अकेले पाए जाते थे। साल्प्स और चेन ट्यूनिकेट्स इनको कहा जाता था। इनके 3 ऑर्डर और 30 स्पीसीज हैं, एग्जांपल के लिए सेल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्पा का एग्जांपल सी नंबर पे, ये सेल्पा का डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा था आपका लार्वेसी या जिसे अपेंडिकुलेरिया भी कहते हैं।
अपेंडिकुलेरिया इनकी बॉडी टिनी थी, छोटे थे, ट्रांसपेरेंट थे, यानी कि बाहर से आप देखते तो इनकी बॉडी के अंदर की चीज़ें भी ब्लड वेसल्स वगैरह दिखाई देने लगती। फ्री फ्लर्टिंग थे, फ्रीली फ्लर्ट करते थे। एडल्ट इनमें रिटेन मेनी लार्वल फीचर इंक्लूडिंग टेल। मान लीजिए ये लार्वा पहले पाया जाता था, लार्वा से फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होते थे, लेकिन इनमें ऐसा था कि लार्वा के भी कैरेक्टर एडल्ट में देखे जा सकते थे। जैसे कि टेल वगैरह लार्वा में पाया जाता था, लेकिन इनके एडल्ट में भी टेल पाया जाता था। इनमें गिल्सलिट केवल दो थे, इनके दो ऑर्डर थे, 30 स्पीसीज। एग्जाम्पल के लिए ऑइकोप्लूरा, ठीक है, ऑइकोप्लूरा का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे सब फाइलम की, जिसमें आता है सिफाइलोकॉर्टेटा। इसमें हेड में क्या था आपके, कॉर्डेट कॉर्ड प्रेजेंट था, ठीक है, नोटोकॉरियनल कॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ अलॉन्ग इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूरी लाइफ में इनके क्या था अभी तक, क्या था कि या लार्वल स्टेज में पाया जा रहा था, बॉडी के हाफ पार्ट में पाया जा रहा था, यहाँ पे हेड में पाया जाता है, और थ्रू आउट लाइफ पूरे लाइफ में पाया जाता है। इनका एक ही क्लास है जो है लेप्टोकॉर्डाई। लेप्टोकॉर्डाई इनकी बॉडी कहती थी फिश लाइक, मछलियों के जैसे इनका शरीर था। ठीक है, जब आप इनके इसके एग्जांपल को पढ़ेंगे जो कि आपका एम्फीऑक्सस इसे जिसको कि ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको फिश लाइक कहा जाता है। जो आप देखेंगे तो एकदम ये फिश जैसी दिखती है, सेगमेंटेड विथ मायोटोम्स, इस तरीके से फिश लाइक बॉडी थी, और इस तरीके से इनकी बॉडी पर मायोटोम्स, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। न्यूमरस गिल्सलिट, कुछ गिल्सलिट पाए जाते थे, ये फ्री स्विमिंग थे, बरोइंग थे, बरोइंग मतलब पानी में ही क्या थे, बरो बना के, बिल बना के रहते थे। इनको लैंसलेट्स भी कहा जाता है। इनकी एक ही क्लास और एक फैमिली है, दो जेनरा है, 30 स्पीसीज हैं। इनको ब्रैंकियोस्टोमा एम्फीऑक्सस भी कहते हैं या एसिमेट्रॉन। इनकी जो ब्रैंकियोस्टोमा स्पीसीज है उसकी अबाउट 8 स्पीसीज नोन है, और एसिमेट्रॉन जीनस की लगभग 6 स्पीसीज नोन है। तो अब आपको जो पहला ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा, एक रैनिएटा भी हमें भी हमने तीन सब फाइलम पढ़ा, वो तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे जिसे कि यूकॉर्डेटा कहते हैं या क्रैनिएट कहते हैं। इनमें क्या था, स्कल प्रेजेंट था, ठीक है, इनके जॉ एंड ब्रेन जो था इनका स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड था क्रेनियम। जैसे कि हम लोगों का ब्रेन है वो एक खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो इनके ब्रेन क्या थे, प्रोटेक्टेड थे। ये एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल यानी कि पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह पाए जाते हैं, और ये लार्ज साइज के होते हैं, इन्हें हायर कॉर्डेट भी कहा जाता है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट था, जॉ प्रेजेंट था, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। क्रैनिएटा में एक सब फाइलम पाया जाता है जिसको कहा जाता है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके पास बैकबोन या जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है वो प्रेजेंट था, ठीक है। इसमें का सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, आपके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसे कि वर्टिब्री कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री पाई जाती है, इसे बैकबोन भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात की जाए तो इनका नोटोकॉर्ड सप्लीमेंटेड या रिप्लेस हो जाता था वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। अभी तक आप नाम सुन रहे थे नोटोकॉर्ड, अब ये नोटोकॉर्ड किसमें चेंज हो जा रहा था, रिप्लेस हो जा रहा था वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन में, ठीक है, जो कि ओवरलैपिंग वर्टिब्री से, वर्टिब्री क्या मतलब, एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री इस तरीके से ओवरलैप कर करके एक पूरे वर्टिब्रल कॉलम का ये निर्माण करते हैं। आपने डायग्राम में बहुत बार देखा भी होगा जब रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर दिया रहता है, ठीक है। इनकी बॉडी अब पूरी तरीके से कैसे, हेड नेक ट्रंक और टेल में डिवाइडेड थी। ये यूजुअली डायोसियस एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें मेल अलग और फीमेल अलग होती है, ठीक, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग थे। ये लार्जेस्ट कॉर्डेट सब फाइलम थे जिनमें 46,500 स्पीसीज पाई जाती थी। इनको फर्दर दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया, जैसे क्रैनिएटा को तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया था, इनको दो सब फाइलम में, एक गनैथा और गनैथोस्टोमेटा, और इनको किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, जॉ के बेसिस पे, ठीक, एक गनैथा जिनमें जॉ एब्सेंट था, गनैथोस्टोमेटा जिनमें जॉ प्रेजेंट था। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला डिवीजन जिसमें है आपका गनैथा, एक गनैथा जिसका मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, और गनैथॉस का मतलब जॉ, जिसमें जॉ एब्सेंट था। ये क्या थे, जॉ प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट थे, फिश की तरह दिखते थे, इनमें ट्रू जॉ एब्सेंट था, और पेयर्ड लिम्स
नहीं पाए जाते थे इसमें, ठीक है। इसको फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया, क्लास पहला ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा क्लास आपका था साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ऑस्ट्रेकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकॉन का मतलब होता है सेल, और जिनकी स्किन पे सेल पाए जाए, ठीक है, सेल की कवरिंग पाए जाए। इसके बहुत सारे एक्सटिंक्ट ऑर्डर हैं, जो मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इस टाइम पे नहीं पाए जाते हैं। मेनली ये पैलियोजोइक टाइम में पाए जाते थे, हैवली आर्मर्ड होते थे, इनकी जॉ जो होती थी वो उसमें आर्मर बहुत भयंकर मतलब बहुत हैवी पाया जाता था। वर्ल्ड फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं ये, इनको कलेक्टिवली एक साथ मिलाकर ऑस्ट्रेकोडर्म कहा जाता है। और इनके एग्जांपल सिफेलैप्सिस और ड्रीप ट्रिपेनैस्पिस, ये आप देख सकते हैं सिफेलैप्सिस का एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है कि आपको पता चले कि ये फिश लाइक दिखते थे, इस तरीके से इनका एग्जाम्पल डायग्राम है, ठीक है। दूसरा क्लास था साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है ग्रीक में सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ऐसे एनिमल जिनका माउथ सर्कुलर था, गोल गोल था, ठीक है, सर्कुलर। जब इसको आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा को, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों सर्कुलर माउथ कहा जाता था। और ये कैसे थे, इनकी बॉडी ईल लाइक थी, इस तरीके की ईल। ईल आप सबने देखा होगा, जो सांप की तरह दिखते हैं, गांव में छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप गांव में, तो उसको पकड़ के उसके साथ खेलते हैं, तो ये ईल लाइक दिखते थे, ठीक है। विदाउट स्केल थे, इनके बॉडी पे स्केल नहीं था। जॉ एंड लेटरल फिन पाए जाते थे, माउथ इनके राउंडेड और सबटोरियल थे, यानी कि उसमें सकर्स पाए जाते थे। अगर गोल हैं इस तरीके से सकर्स पाए जाते थे, जो क्या करते थे, अगर चिपक जाए किसी चीज़ से तो शक करते थे, जैसे जोंक चिपक जाता है शक करता है, उसी तरीके से। इनकी 45 स्पीसीज़ नोन है, ठीक है। एग्जांपल के लिए लैम्प्रे या जिसे पेट्रोमाइजॉन भी कहा जाता है, दूसरा हैग फिशेज या मिग्जिन्स जिसे कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं एक एग्जांपल, ये है आपका मिग्जिन, ठीक है, जिसे हैग फिश भी कहा जाता है। दूसरा आपका है पेट्रोमाइजॉन, जिसे लैम्प्रे भी कहा जाता है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा डिवीज़न, जिसमें आता है गनैथोस्टोमेटा, ठीक है। इनको माउथ के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, ये जिनमें क्या था, जॉ प्रेजेंट था, जॉ वर्टिब्रेट थे, ट्रू जॉ इनमें प्रेजेंट था, और पेयर लिम्स इनमें पाए जा रहे थे। फॉर कन्वीनियंस अगर बात की जाए, सम टैक्सोनॉमिस्ट फर्दर डिवाइडेड गनैथोस्टोमेटा इंटू टू सुपर क्लास, अपने कन्वीनियंस के लिए बहुत सारे कैरेक्टर को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी चीज़ का क्लासिफाई किया जाए, टैक्सोनॉमी मैंने आपको आगे क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लासिफाई करना, अच्छे से उसको किसी ऑर्डर में आइडेंटिफाई करना। तो उसके बेसिस पे इन्होंने दो क्लास में डिवाइड कर दिया, पहला क्लास था पीसीज, दूसरा क्लास था टेट्रापोडा। और पीसीज का मतलब होता है ग्रीक में फिशेज, ऐसी ऑल द फिशेज एंड फिश लाइक एक्वेटिक गनैथोस्टोम्स, जो या तो फिशेज थे या फिश लाइक फिश के जैसे दिखती थी, उनको सुपर क्लास पीसीज में रख दिया गया। और दूसरा वेयर है जिनमें चार पैर, फोर फूटेड, टेट्रा का मतलब ही होता है चार, और पोडा का मतलब होता है पैर, कहीं भी टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पैर होता है, जहाँ पे चार पैर पाए जा रहे थे और टेरिस्ट्रियल थे, और जो ज़मीन पे पाए जा रहे थे, किसी न किसी फॉर्म में ज़मीन पे पाए जा रहे थे, उन्हें सुपर क्लास टेट्रापोडा में रख दिया गया, ठीक है। अब गनैथोस्टोमेटा के हम दोनों सुपर क्लास पढ़ेंगे, पहले सुपर क्लास स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पीसीज़ की बात की जाए तो इन्हें फिश कहा जाता है, लैटिन में स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, फिश होता है। इनको फर्दर तीन क्लास में डिवाइड किया गया, प्लैकोडर्माई, ऑस्ट्रेकोकॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, ठीक है, प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, ठीक है। बात करते हैं प्लैकोडर्माई की, तो प्लैकोडर्माई आपका जो था वो प्रिमिटिव अर्लीस्ट जॉर्ड फिशेस थे, जो पैलियोजोइक विथ बोनी हेड सील्ड मूवेबली आर्टिकुलेटेड विथ ट्रंक सील्ड। इनके बोन क्या थे, जो आगे के इस तरीके से आप फिश देख सकते हैं, तो इनकी जो जॉ की बोन थी वो आर्टिकुलेटेड थी, किसके साथ, ट्रंक, हेड, ट्रंक, टेल में कोई चीज़ डिवाइड होता है तो ट्रंक के साथ इनकी क्या थी, जो जॉ थी आर्टिकुलेटेड थी, और वो मूवेबल थी, यानी कि वो उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे। इनको प्लैकोडर्म्स कहा जाता था। एग्जाम्पल के लिए क्लाइमेटियस, डिनिक्थियस, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है।
अब बात करते हैं दूसरा क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। अब इसका नाम कॉन्ड्रिक्थिस क्यों पड़ा? कॉन्ड्रस का मतलब होता है ग्रीक में कार्टिलेज और इक्थिस का मतलब फिश। ऐसी फिश जिनकी बॉडी पे कार्टिलेज की कवरिंग, इस तरीके की कार्टिलेज जो दिख रहा है आपको, ये स्केल आप देख सकते हैं, इस तरीके की अगर कार्टिलेज की कवरिंग पाई जा रही थी इस फिश में, आप देख सकते हैं जो स्केल देख रहे हैं आप, जब आप मछली को, जो लोग मछली खाते होंगे देखे होंगे, जब आप उसको स्क्रब करते हैं या छीलते हैं जिसको करता है, तो उसके ऊपर से स्केल निकलती है, ऐसी फिशेस को क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। और ऐसी फिशेस खाने लायक नहीं होती हैं, ठीक है, नॉन ईडिबल होती हैं, ये खाने लायक फिशेस नहीं होती हैं। इनकी मोस्टली ये मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ये सारे कैरेक्टर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपसे कहीं ना कहीं अगर ऑप्शनल आपका पेपर है तो वहाँ से पूछ सकता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था इनका, स्किन विथ प्लैकॉइड स्केल, इनकी स्किन पे प्लैकॉइड स्केल पाया जाता था, ठीक है। और सारी स्केल के बारे में आप पढ़ेंगे, टीनॉइड स्केल और गोनॉइड स्केल, तो इनकी बॉडी पे जनरली स्केल्स पाए जाते थे। इनका जो गिल्सलिट था वो कवर्ड बाई अपरकुलम, वो अपरकुलम से कवर्ड नहीं था इनका गिल्सलिट, देखेंगे गलफड़े इनके, कभी सांस लेते हो अगर मछली को देखा होगा तो गिल्सलिट एक ऐसे इस तरीके से अपरकुलम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपरकुलम क्या था? एब्सेंट था। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेल का, पेल्विक क्लैस्पर का प्रेजेंट होना, इनमें मेल में पेल्विक क्लैस्पर प्रेजेंट था। इनको कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता था। इनकी 600 स्पीसीज अभी तक नोन है, जिसमें से स्कॉलियोडॉन जिसे कि डॉग फिश कहा जाता है, काइमेरा जिसे कि रेड फिश कहा जाता है। आप जब पढ़ेंगे फिशेज को तब यहाँ पर इन सब नामों का जिक्र आपके साथ किया जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका आया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कई सारे फिशेस का दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्टेक्थिस की एग्जांपल लेबियो है, तो यहाँ पे देखिए रोहू, ई जो आपका है रोहू, ये रोहू मछली बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा। ऑस्टेक्थिस को ग्रीक ऑस्टियन का मतलब होता है बोन और इक्थिस का मतलब फिश। ऐसी फिश जिनमें बोन प्रेजेंट थी उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया ऑस्टिक्थिस। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन दोनों थी, यानी कि ये समुद्र में भी पाई जाती थी और फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड हो गया आपका, लेक हो गया, तालाब, झील, इन सब जगहों पे भी ये पाई जाती थी। इंडो स्केलेटन यानी कि बाहर की इनकी जो कवरिंग थी वो मोस्टली कैसी थी? बोनी, उनमें बोन्स प्रेजेंट थे। इनके स्किन में कई टाइप के स्केल, यहाँ पे सिर्फ प्लैकॉइड स्केल पाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइक्लॉइड, टीनॉइड, कई तरीके के स्केल पाए जा रहे थे अदर देन प्लैकॉइड। प्लैकॉइड के अलावा और कई तरह के, जैसे साइक्लॉइड, टीनॉइड, गोनॉइड, इस तरीके के स्केल इसमें पाए जा रहे थे। और इनकी गिल्सलिट अपरकुलम से कवर्ड थी जबकि यहाँ पे नहीं कवर्ड थी। इनके मेल्स विदाउट क्लैस्पर थे, यहाँ पे मेल के पास क्लैस्पर था। और इनकी अबाउट 20,000 स्पीसीज क्या है? नोन है। एग्जांपल के लिए लेबियो हो गया, रोहू, प्रोटोप्टेरस जिसे कि लंगफिश भी कहते हैं, लंगफिशेस की और भी कई सारी स्पीसीज हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे कि सी हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देख सकते हैं आप सी हॉर्स को यहाँ पे, ठीक, कई सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सुपर क्लास पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है टेट्रापोडा। ग्रीक में से क्या कहते हैं? जिसके पास चार पैर थे, ठीक है, जनरली चार पैर। अब आप बोलेंगे चिड़िया के तो चार पैर नहीं होते, तो उसके दो पंख तो होते हैं ना और दो पैर होते हैं, तो टेट्रा का मतलब ये था जहाँ चार अपीयरेंस, चार चीज़ें दिख रही थी, पैर लाइक या कुछ भी चार दिख रहा था, तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, इनको टेट्रापोडा में रख दिया। जनरली इसमें चार आते हैं आपके, पहला आ गया एम्फीबिया, इनकी सीरीज वाइज जैसे इनका ओरिजिन हुआ उसी बेसिस पे, दूसरा रेप्टीलिया, तीसरा एवीज और चौथा मैमल, ठीक है। इसमें से आपको और बता दूँ एक बात, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल थे ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे। कोल्ड ब्लडेड बहुत एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल जिनकी, जिनको क्या कहा जाता था? पोइक्लोथर्म भी कहा जाता है, पोइक्लोथर्म, ऐसे एनिमल जिनका ब्लड जो था जैसा टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये अपने ब्लड का टेम्परेचर बदल लेते थे। जबकि एवीज और मैमल की बात की जाए तो ये कैसे थे? वार्म ब्लडेड थे, वार्म ब्लडेड, या जिनको कि क्या कहा जाता है? होमियोथर्म कहा जाता है, होमियोथर्म,
यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते। जैसे हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो बुखार हम लोगों को चढ़ जाता है, या उससे कम हुआ तो हम लोगों को ठंड लगने लगती है। तो ये बेसिक डिफरेंस इसमें पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले क्लास के बारे में, जो कि है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब ग्रीक में होता है बोथ, यानी कि दो, लाइफ। ऐसे एनिमल जो दो जगहों पे लाइफ अपनी व्यतीत करे, जैसे कि आप मेंढक को देखेंगे तो ये अपना जब लार्वा इनका जो होता है, जब उसको जन्म देता है तो वो पानी में देता है, वाटर में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक्वाटिक हो गए, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये दो तरह, दो जगहों पे अपनी लाइफ को जीते हैं। आधी लाइफ अपनी जीते हैं कहाँ पे? पानी में, और उसके बाद की लाइफ ज़मीन पे जीते हैं। तो ऐसे एनिमल को कहा जाता है एम्फीबियंस, बोथ लाइफ जो जिए, ठीक है। इनके लार्वल स्टेज यही बात बताई गई है कि यूजुअली एक्वेटिक होते हैं, ब्रीद करते हैं गिल्सलिट के द्वारा, और एडल्ट क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लंग के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। आपके एम्फीबिया में जो ये ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है कि इनमें तीन तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। जब ये छोटे रहेंगे, यानी कि जब इनका लार्वा रहेगा तो ये गिल्सलिट से क्या करेंगे? रिस्पायर करेंगे। बड़े हो जाएंगे तो स्किन और लंग दोनों से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, और इसमें एक्सटर्नल स्केल नहीं पाए जाते हैं। इनका हार्ट 3-chambered होता है। हार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका किसका हार्ट 3-chambered होता है। तो आपका एम्फीबिया जो होते हैं उनका हार्ट क्या होता है? 3-chambered होता है। इसके 2500 स्पीसीज नोन है, जैसे कि राना फ्रॉग हो गया, ब्यूफोर्ड टोड हो गया, एम्बास्टोमा जिसे कि सैलामांडर कहते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्लास हम लोग पढ़ेंगे रेप्टीलिया। रेप्टीलिया में आपको ऐसे रेप्टाइल, लैटिन का मतलब होता है क्रीपी, ऐसे एनिमल जो रेंगते हों, ठीक है। रेंगने वाले एनिमल को कहा गया रेप्टीलिया, क्रीपिंग एनिमल, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स कहा जाता है, ऐसे एनिमल जो पहली बार ज़मीन पे, मतलब ये पानी में नहीं पाए जाते थे, ज़मीन पे। वैसे कुछ एनिमल्स उनकी भी पानी में पाई जाती हैं। इनकी स्किन ड्राई थी, इनमें एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल पाए जा रहे थे, जबकि आपने एम्फीबियम में पढ़ा वहाँ नहीं पाए जाते थे। यहाँ पे बोनी प्लेट्स। इनके हार्ट इनकम्प्लीटली 4-chambered। इनकम्प्लीट क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें एक स्पीसीज ऐसा है क्रोकोडाइल जिसका हार्ट 4-chambered होता है। बाकी सारे एनिमल जो इसमें पाए जाएंगे, जैसे कि हेमिडेक्टाइलस हो गया, वॉल लिजर्ड, छिपकली, यूरोमैस्टिस्क, ये यूरोमैस्टिस्क रहेगा, यूरोमैस्टिक्स, ठीक है। स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड कहा जाता है, नाजा यानी कि कोबरा जिसे सांप कहा जाता है, स्फाइनोडॉन, ये एक लिविंग फॉसिल है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, लिविंग फॉसिल, जीता हुआ फॉसिल, अभी तक जो, मतलब जब से ये पैदा हुआ है जैसा था तब से लेकर अभी तक वो वैसा ही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है स्फिनोडॉन। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जो 4-chambered हार्ट जिसमें पाया जाता है, तो क्या आप बताएंगे? क्रोकोडाइल। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेस्पिरेशन लंग के द्वारा होता है। इनकी 7000 स्पीसीज नोन है। मूव करते हैं आपके थर्ड क्लास की तरफ, जिसको कहते हैं एवीज, जिसमें लैटिन एविस का मतलब होता है बर्ड्स। इसमें सारी बर्ड्स आई जाती हैं। टिपिकली ये क्या होती हैं? फ्लाइंग वर्टिब्रेट होती हैं, कवर्ड होती हैं फेदर के द्वारा, पंखों के द्वारा कवर होती हैं। फोर लिम्स, यहाँ फोर इम्स लिखा गया है लेकिन फोर लिम्स रहेगा, ठीक है। इनके फोर लिम्स यानी कि दो तरीके के लिम्ब हम लोगों में पाए जाते हैं, फोर लिम्ब यानी कि हाथ हम लोगों के, और हाइंड लिम्ब पैर। तो इनके जो फोर लिम्ब थे वो क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए विंग में, पंख में। तो चार मैंने आपके बताया, चार चीज़ें इसमें पाए जाती हैं, लेकिन उड़ने के लिए इनको भगवान ने पंख दे दिए, उसको मॉडिफाई कर दिया। इनमें इनके बीक में टीथ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट इनका 4-chambered होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनको बर्ड्स कहा जाता है। इनकी 9000 स्पीसीज नोन है। एग्जांपल के लिए स्ट्रूथियो, जिसको कि अफ्रीकन ऑस्ट्रिच कहा जाता है, कोलंबिया जिसको कि पिजन कहा जाता है, गैलस जिसको कि फाउल कहा जाता है, ठीक। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लास मैमेलिया, ठीक है। क्लास मैमेलिया में हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मैमल को लैटिन वर्ड में एम का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट। ऐसे एनिमल जिनमें क्या पाए जा रहे थे? ब्रेस्ट पाया जा रहा था, उनको क्लास मैमेलिया में रखा गया, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनमें ब्रेस्ट पाए जा रहे थे उनको क्लास मैमेलिया में रखा गया। इनकी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है। आप हम लोगों में देख सकते हैं, हम लोग की बॉडी क्या होती है? हेयर पाया जाता है।
स्किन इनके ग्लैंडुलर थे, इनके स्किन में ग्लैंड्स पाए जा रहे थे जिनको सीबेसियस ग्लैंड बोला जाता है। फीमेल विथ मेमोरी ग्लैंड, फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है जिसे कि ब्रेस्ट बोला जाता था। मेमोरी ग्लैंड्स जो अपने बच्चों को क्या कराती थी, फीडिंग कराने के लिए, इनमें ब्रेस्ट पाया जा रहा था जो कि सिक्रीट करता था मिल्क फॉर सकलिंग यंग, मतलब उनके जो बच्चे थे उनको दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट पाया क्या पाया जाता था, मेमोरी ग्लैंड पाया जाता। इनके हार्ट 4 चैम्बर थे, ये भी वार्म ब्लडेड थे और ये एयर ब्रीदिंग वर्टिब्रेट मतलब हवा में सांस लेते थे। ठीक, इसकी 4500 स्पीसीज नोन है। एग्जांपल के लिए एकेडिना स्पाइनी एंटीटर बोला जाता है जिसको, मैक्रोपस कंगारू, रैमस रैट, होमो मैन, मैन को तो आप सब जानते हैं सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएचर जो हमारी धरती को इतना नुकसान पहुंचा रहा है या अच्छे काम भी कर रहा है। तो ये हो गए कुछ आपके एनिमल्स जिसको मैंने दिखाया है। तो आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।